नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कौर, बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से बड़ा बिजनेस ऐप को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाना होगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना होगा बड़ा बिजनेस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा बिजनेस बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। ये आपको जाके प्ले स्टोर पे टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। अभी यहाँ पे जैसे ओपन का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल का, क्योंकि अभी ये ऐप मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है अपने मोबाइल में, इसलिए यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप ये फर्स्ट टाइम ऐप को डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर लिखकर आएगा कि इंस्टॉल का, तो आपको वो इंस्टॉल कर लेने का है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे इस तरीके का ये डैशबोर्ड दिखेगा बड़ा बिजनेस का, और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक रहेगा साइन अप का, दूसरा रहेगा लॉगिन का। साइन अप मतलब क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम बड़ा बिजनेस ऐप इंस्टॉल किया है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने तो ऑलरेडी ये ऐप इंस्टॉल करके रखा है पहले से, मेरा रजिस्टर है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लॉग इन करूंगा। तो लॉग इन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग इन पे जाके आपको क्लिक करना पड़ेगा और वहां से आपको जो है वो लॉग इन करना पड़ेगा। ये मैंने बड़ा बिजनेस ऐप को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ गया लॉग इन का, तो मैंने लॉग इन पे क्लिक कर लिया। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर लिख के आ गया है एंटर योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालूंगा, जो आपने बड़ा बिजनेस ऐप लेने के टाइम पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन लिख के आएंगे। इट सीम्स दैट यू आर ऑलरेडी लॉग इन अदर डिवाइस, डू यू वॉन्ट टू लॉग आउट फ्रॉम ऑल अदर डिवाइसेस। ये बोल रहा है कि आपने ऑलरेडी पहले से कोई ऐप में लॉग इन करके रखा हुआ है, तो आप उसे लॉग आउट करना चाहते हो क्या, तो आपको यस पे क्लिक करना है। और जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे आपको आएगा एक ओटीपी, तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे टाइप करना है। ओटीपी टाइप करने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो आप बड़ा बिजनेस के ऐप पे आप आ जाओगे। और आने के बाद यहाँ पे आपको ये 3 लाइन्स दिखेगी, सबसे ऊपर टॉप पे लेफ्ट हैंड पे आपको ये 3 डॉट दिखेगे। ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा आपका, आपने जो नाम दिया था अपना, ये नाम आपको दिख जाएगा। जैसे मेरा नाम यहाँ पे दिख रहा है शुभम गौर, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है, ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ पे आपको ऐसा ऐसा ही रहने देने का है। और जो हमारे लाइव सेशन होते हैं, जैसे आपको मैंने बताया होगा कि आपको 24 डिजिटल लाइव सेशन मिलते हैं, मतलब हर महीने में एक बार डॉक्टर विवेक बिंद्रा और जो जितने भी हमारे जो बड़ा बिजनेस के बिलियनियर प्रोफेसर है वो हर महीने में एक बार लाइव आते हैं। तो वो लाइव आपको दिखता है यहाँ पे, लाइव सेशन विद संजय मोनाचा। ये हमारे प्रोफेसर है जिनका लाइव सेशन 30 मार्च को हो गया है 7 से 8 बजे। तो नेक्स्ट सेशन कब होगा उसकी जानकारी भी आपको यहीं पर ही मिल जाएगी। तो ये आपको हर 2-3 दिन में आपको लॉग इन करके देखना पड़ता है कि नेक्स्ट सेशन कब है। तो यहाँ से आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर को अगर लाइव देखना है, या हमारे जो बड़ा बिजनेस के बिलियनियर प्रोफेसर है उनको आपको लाइव देखना होगा, तो आप यहाँ पे जाके आप लाइव देख सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको होम के ऑप्शन में आते हैं। होम के ऑप्शन में आएंगे तो सबसे नीचे आपको दिखेगा ईएई का ऑप्शन। ईएई मतलब एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इसके बाद आपको इसके बाजू में दिखता है कोर्सेज का ऑप्शन। कोर्सेज मतलब ये हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहते हैं, जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारा 2 साल का प्रीमियम कोर्स रहता है, जिसमें आपको 312 प्रीमियम पब्लिकली अनअवेलेबल वीडियोस आपको दिए जाते हैं। तो यहाँ पे है ब्राउज टॉपिक और यहाँ पे है माय टॉपिक। ठीक है, ब्राउज टॉपिक मतलब क्या होता है कि आपने फर्स्ट टाइम अपने ऐप पे लॉग इन किया, तो फर्स्ट टाइम लॉग इन करने पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ब्राउज टॉपिक मिलता है। तो ब्राउज टॉपिक पे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है चेक हेल्थ चेक ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे नीचे करता हूँ, बर्निंग प्रॉब्लम हाउ वाडवानी फाउंडेशन हायर। तो उसके बाद नीचे आपको मिलता है बर्निंग प्रॉब्लम हाउ डज पीस सेफ हायर। फिर आपको मिलता है बर्निंग प्रॉब्लम 20 जॉब साइट्स। तो एग्जांपल मुझे ये वाला वीडियो जो है वो देखने का है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्रेडिट लेफ्ट। तो ये क्रेडिट लेफ्ट मतलब क्या होता है कि हर महीने में आपको 22 वीडियोस आपको दिए जाते हैं। तो वो 22 वीडियोस आप एक महीने में
देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये वीडियो जो है वो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। यहाँ पे जैसे लिख के आ रहा है यूज योर वन क्रेडिट टू अनलॉक दिस सेशन, तो मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये वीडियो जो है ये प्ले हो जाएगा। और वीडियो प्ले होने के बाद आपको यहाँ पे जैसे ये सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है एडजस्ट योर वीडियो क्वालिटी, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे वीडियो की क्वालिटी भी हम हाय फ्रेंड्स, वेलकम चेंज बैक कर मेरी सकते हैं। क्लास जैसे में अभी यहाँ मैं पे ही क्या है समझी गई ऑटो वो मोड पर है, प्रोफेसर बड़ा ऑटो मोड के बिजनेस। बाद आपको आज यहाँ के पे सेशन जैसे में नीचे मैं आपको दिख रहा कितना होगा, क्रिटिकल यहाँ पे आपको ऑटो ऑटो पे अभी ऑटोमेटिक सेट रहता है। फिर यहाँ पे ऑप्शन भी अवेलेबल है 1080 पिक्सल, 480 पिक्सल, 270 पिक्सल। अगर मुझे नेट कम इस्तेमाल करना है तो मैं 270 पिक्सल पे क्लिक करूंगा और मैं वीडियो जो है वो मैं प्ले कर दूंगा। तो टॉपिक इस डिस्कस तरीके से करने मुझे वाली वीडियो हूँ जो देखना है। आपको पॉकेट मनी से प्रोफेशनल सैलरी तक ले जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस तरीके से ये वीडियो जो है हम यहाँ पे प्ले करते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ये वीडियो आप देख लोगे, इसके नीचे आपको एक फीडबैक फॉर्म आता है कि आपको ये वीडियो का क्वालिटी कैसा लगा, आपको इससे क्या नॉलेज मिला। वेरी पुअर मतलब आपको अच्छा नहीं लगा, और एक्सेलेंस मतलब आपको बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं एक्सेलेंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। और यहाँ पे सबमिट करने के पहले हमको चूज कैटेगरी करना होगा कि हम कौन से कैटेगरी से हैं, कि हम सेल्स सेल्स वाले हैं या फिर पावरफुल पर्सनैलिटी के बारे में हम वीडियो देखना चाहते हैं। मतलब आपको जो पसंद है, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो आपको चॉइस करना पड़ता है। जैसे मैं यहाँ पे ई कॉमर्स सिलेक्ट कर देता हूँ और सबमिट कर देता हूँ, तो एक ये फीडबैक जो है वो सबमिट हो जाता है। चाहे तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे वीडियो प्ले करते हैं। और फिर वो वीडियो प्ले हो जाने के बाद अब वो वीडियो आप कितने भी बार देख सकते हो, 1000 बार, 100 बार, कितने भी बार देख सकते हो, तो अब वो वीडियो आ जाएगा माय टॉपिक पे। तो अगर आपको कोई भी नया वीडियो प्ले करना है तो आपको ब्राउज टॉपिक से वीडियो देखना पड़ेगा। और अगर आपने ऑलरेडी वो वीडियो को अनलॉक कर लिया है तो वो आपको मिलेगा माय टॉपिक पे। तो माय टॉपिक पे जितने वीडियो मैंने देख लिए हैं वो वीडियो आते हैं माय टॉपिक पे। तो एग्जाम्पल अब हम ये माय टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियो है यूजर एक्सपीरियंस, तो यूजर एक्सपीरियंस किस तरीके से बेटर किया जाता है इसके ऊपर पूरा का पूरा वीडियो है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये वीडियो हमको देखना पड़ेगा यूजर एक्सपीरियंस। वीडियो कितने मिनट का है, 15 मिनट 23 सेकंड का है। ये इसमें कौन सिखा रहा है, ये वीडियो किससे रिलेटेड है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। ये वीडियो है मार्केटिंग से रिलेटेड, यहाँ पे ये दिखता है। फिर उसके बाद इसमें इस वीडियो में प्रोफेसर कौन है, स्पीकर ऑफ द वीडियो मिस्टर पारितोष शर्मा, ये कौन है, वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, और इनको क्या एक्सपीरियंस है, एक्स एंटरप्रेन्योर हाइक मैसेंजर जेबोंग और पेयू में ये वर्क किए हुए हैं, और कंसल्टेटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ग्रोथ मार्केटिंग फॉर मल्टीपल एसएमईज में ये वर्क किए हुए हैं। इस वीडियो में की लर्निंग ऑफ द वीडियो क्या है ये बताया गया है। फिर इसके बाद आपको इसका वीडियो देखने के बाद आपको एक रीडिंग मटेरियल मिलेगा। ये रीडिंग मटेरियल आपको पूरा का पूरा पढ़ लेने का है कि और भी क्या है इस वीडियो में, क्या बताया गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है इन दिस वीडियो मिस्टर पारितोष शर्मा एक्सप्लेन अबाउट यूजर एक्सपीरियंस, इट्स इम्पोर्टेंट हाउ इट विल हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस। तो यूजर एक्सपीरियंस के यहाँ पे आपको सबसे पहले फिर पूरा रीडिंग मटेरियल पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग मटेरियल पढ़ने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमारा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे दिखेगा आपको असेसमेंट, ये असेसमेंट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वीडियो देखोगे, वीडियो देखने के बाद रीडिंग मटेरियल पढ़ोगे, रीडिंग मटेरियल के बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा असेसमेंट। ये असेसमेंट क्या होता है, जो हमने वीडियो देखा उसका हमने रीडिंग मटेरियल पढ़ा और इससे वीडियो से हमको क्या समझा, हमारी कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई वो हम यहाँ से समझते हैं। तो जैसे यहाँ पे टाइमिंग भी रहता है, 30 सेकंड का टाइम मिलता है और 10 क्वेश्चन हमको पूछे जाते हैं। तो जैसे इसमें क्या पूछा है, वॉट शुड बी द बेसिक फंडामेंटल ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। तो यूजर एक्सपीरियंस के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, सीमलेस, रिपीटेबल, इजी, ऑल ऑफ दिस। तो मुझे लगता है इसका आंसर ऑल ऑफ दिस होगा। तो ये ग्रीन आ गया मतलब मैंने सही आंसर दिया। वैसे ये नेक्स्ट की तरफ लेके जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है सेकेंड क्या है, यूजर एक्सपीरियंस शुड बी एबल टू। तो अभी इस पे मैं कुछ भी क्लिक कर देता हूँ तो अगर वो रॉन्ग रहा तो वहां पर रेड आ जाएगा, और सही वाला ऑप्शन क्या है, ग्रीन वाला। तो ये क्या हो गया, रॉन्ग दिखा दिया। उसी तरीके से हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम हमको आखिरी में पता चल जाएगा कि हमको 10 में से कितने मार्क मिले, हमको कितना इससे सीखने को मिला, समझने को मिला। तो इस तरीके से हम ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज के
वीडियो जो है हम देखते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको हमारे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज देखना है, जिसे हम शॉर्ट टर्म कोर्सेज बोलते हैं PhD, तो आपको ये कोर्सेज पे क्लिक करना पड़ेगा। तो कोर्सेज पे भी आपको ब्राउज टॉपिक दिखेगा और माय टॉपिक दिखेगा। ब्राउज टॉपिक मतलब ये कोर्स आपके एक्टिवेट नहीं है, इसको ये रहते हैं ब्राउज टॉपिक में। और मेरे इसमें कौन से कोर्स एक्टिवेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे 25 बिजनेस आइडिया, ये मेरे इसमें एक्टिवेट है। ईमेल मार्केटिंग का कोर्स मेरे इसमें एक्टिवेट है। डेजिग्नेशन एंड क्रिएटिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये मेरे इसमें एक्टिवेट है। नेगोशिएशन स्किल, ये एक्टिवेट है। लर्निंग एक्सेल, ये एक्टिवेट है। टीम मैनेजमेंट, गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, पब्लिक स्पीकिंग, फ्रेंचाइजी, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल मार्केटिंग, जीमेल बेसिक्स, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल मार्केटिंग पार्ट वन, टाइम मैनेजमेंट, व्हाट्सएप मार्केटिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, वीडियो इन्फ्लुएंसर, इंग्लिश फॉर बिजनेस, फैमिली बिजनेस, ई कॉमर्स, स्टॉक मार्केट, डेब्ट मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हाउ टू सेल, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, कस्टमर एक्सपीरियंस, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, फंडराइजिंग, स्पाइस, बिजनेस टू बिजनेस, $0 मार्केटिंग, ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस। इस तरीके से इतने कोर्स मेरे इसमें एक्टिवेट है जो मैं देख सकता हूँ। और मेरे इसमें कौन से कोर्स एक्टिवेट नहीं है वो मुझे दिखेंगे ब्राउज टॉपिक में। जैसे बिजनेस ऑटोमेशन एक्टिवेट नहीं है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्टिवेट नहीं है, पैसिव इनकम एक्टिवेट नहीं है। इतने कोर्स मेरे इसमें एक्टिवेट अभी नहीं है। अगर आपने कोई कोर्स लिया है, आप कोई ऑफर में हो, जैसे आपने 10 PhD आपको फ्री में मिल रहे थे, ये वाले आप ऑफर में हैं, बट आपको वो नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आप जिनसे आपने कोर्स लिया है उनको आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा और उनसे आपको बताना पड़ेगा कि ये वाला कोर्स मेरा एक्टिवेट नहीं है, तो वो आपका कोर्स जो है वो एक्टिवेट करा देंगे। इस तरीके से हम यूज करते हैं बड़ा बिजनेस ऐप। और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ और स्पेशल फीचर्स भी दिए गए हैं। जैसे मैंने EAE पे क्लिक किया और आप जैसे यहाँ पे वॉइस सर्च के थ्रू भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे आपको सेल्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लीडरशिप का वीडियो आपको देखना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वॉइस पे क्लिक करोगे और आप बोलोगे सेल्स, तो सेल्स से रिलेटेड जितने वीडियोज है वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। या फिर आप यहाँ पे सर्च के ऑप्शन में जाके आप मैनुअली आप सर्च भी कर सकते हो। दूसरा है कि यहाँ पे आपको फिल्टर का भी ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे फिल्टर में अगर आपको सोशल मीडिया के वीडियो देखना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और अप्लाई पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो इसके वीडियोस। फिर उसके बाद अगर आपको टेक्नोलॉजी के वीडियो देखना होगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड कंटेंट के वीडियो आपको देखना होगा, या फिर वर्किंग कैपिटल के वीडियोज आपको देखना होगा, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग के वीडियोज आपको देखना होगा, तो इस तरीके से आप यहाँ पे वीडियो जो है वो आप देख सकते हो। फिर प्राइवेट इक्विटी फंडिंग, स्टार्टअप की वीडियो देखना होगा, बिजनेस ऑटोमेशन, मोटिवेशन, स्ट्रेटेजी, लीडरशिप बिल्डिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, लीगल, लीडरशिप फनल, HR, पीपल मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड बिजनेस एक्सपांशन, बाउंस बैक, ई कॉमर्स, पावरफुल पर्सनैलिटी, सेल्स की वीडियो देखना होगा, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल मुझे देखना है मोटिवेशन के वीडियो, नहीं मुझे देखना है स्टार्टअप के वीडियो, तो मैं स्टार्टअप पे क्लिक करूंगा और मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल होंगे वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे स्टार्टअप के ऊपर वीडियो बनाया है, छोटे व्यापारी हो या SME कैसे शुरू करें एक्सपोर्ट बिजनेस, तो ये हमारा स्टार्टअप के ऊपर वीडियो है कि कोई अपना खुद का स्टार्टअप चालू करना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है। फिर उसके बाद माई टॉपिक्स में भी आपको बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, स्किल सेट फॉर स्टार्टअप, ये रितेश अग्रवाल जो कि फाउंडर एंड CEO है ओयो रूम्स के, इन्होंने बताया है कि स्टार्टअप चालू करने के लिए कौन से स्किल्स जो है वो नीडेड है, तो ये 7 मिनट का वीडियो है। उसके नीचे रीडिंग मटेरियल है, उसके बाद उसके नीचे असेसमेंट भी है। फिर उसके बाद स्टार्टअप USP, इसके ऊपर वीडियो है, स्टार्टअप USP पार्ट 3, स्टार्टअप USP पार्ट 1, 5 टिप्स टू फाइंड किलर बिजनेस आइडिया, इसके ऊपर 12 मिनट का वीडियो है स्टार्टअप के ऊपर। फिर एडवांटेजेस ऑफ स्टार्टअप इन इंडिया स्कीम, अगर आप स्टार्टअप चालू करना चाहते हो और गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या स्कीम्स मिल रही है, क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, इसके ऊपर 16 मिनट का पूरा वीडियो जो है वो डिजाइन किया हुआ है। इस तरीके से आप
आपको जो भी वीडियो देखना है वो आप जाके फिल्टर के ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हो। फिर मैं अभी और जाता हूँ मैं फिल्टर के ऊपर और मैं फिल्टर को कर देता हूँ रीसेट, और फिर से मुझे कोई अभी दूसरा वीडियो देखना है कि मुझे बिजनेस मुझे देखनी है, तो बिजनेस केस स्टडी पे मैं क्या करूंगा, अप्लाई पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ पे मुझे बिजनेस केस स्टडी के पूरे वीडियो यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे ये केस स्टडी है, केस स्टडी स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर, ये वीडियो बनाया है शिवांग गर्ग जी ने, जो कि हमारे साथ एज अ टीचर है, प्रोफेसर है। फिर मर्जर एक्वाइजिशन से कैसे बड़ा housing.com का बिजनेस, केस स्टडी विद सीईओ, इसके हमारे साथ टीचर है मिस्टर ध्रुव अग्रवाला जो कि सीईओ है propertytigers.com के, तो ये वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। उसके नीचे आपको रीडिंग मटेरियल पढ़ना होगा और उसका असेसमेंट आपको सॉल्व करना होगा। इस तरीके से हम बड़ा बिजनेस ऐप को एफिशिएंसीली यूज हम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर आपको लेफ्ट हैंड में दिख रहा होगा, तीन लाइन आपको दिख रही होगी, इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे हमारा एक अलादीन का चिराग है जिसमें आपको 600 रेडीमेड फ्रेमवर्क आपको दिए जाते हैं। अगर आप कोई भी स्टार्टअप चालू करना चाहते हो, बिजनेस चालू करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको 600 रेडीमेड फ्रेमवर्क आपको दिए जाते हैं। फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाते हैं, जैसे फाइनेंस, लीगल, एचआर, पीपल मैनेजमेंट। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर रहे हो तो स्टार्टअप चालू करने के लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जितने भी एग्रीमेंट्स लगेंगे, वो सब कुछ आपको पूरा ए टू जेड आपको यहाँ पे 600 रेडीमेड फ्रेमवर्क आपको हमारे अलादीन के चिराग में आपको दिए जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, एसेट परचेस एग्रीमेंट। अगर आप कोई माल खरीद रहे हो तो उसका आप एग्रीमेंट कैसे बनाओगे, बिजनेस मर्जर एग्रीमेंट। अगर आप कोई बिजनेस के साथ अपने बिजनेस को मर्ज कर रहे हो तो उसके लिए क्या एग्रीमेंट लगते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या फॉर्मेलिटीज लगती है, वो पूरा डिटेल में आपको दिया जाएगा। अगर आप कोई वकील के पास जाते हो, सीए के पास जाते हो यही एग्रीमेंट बनाने के लिए, तो वो आपसे 50-50, 60-60 हज़ार रुपए ले लेते हैं, और एक स्टार्टअप को ये बहुत पैसा जो है वो भारी पड़ता है। इसके लिए हमने ये अलादीन का चिराग जिसमें 600 रेडीमेड फ्रेमवर्क आपको दिए जा रहे हैं, इसके बाद आपको सीए की जरूरत नहीं, वकील की जरूरत नहीं, कोई कंसल्टेंट की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, आपको सब कुछ यहाँ पे रेडीमेड आपको दिया जा रहा है, वो भी लाइफ टाइम, वो भी 600 प्लस फ्रेमवर्क। फिर कंपनी के जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट कैसे बनाए जाते हैं, LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, रीसेलर एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, ट्रेडमार्क कैसे बनाया जाता है, तो उसमें जितने भी है ट्रेडमार्क M, ट्रेडमार्क O, PR, U, टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाया जाता है, पावर ऑफ अटर्नी कैसे दी जाती है, रिटर्न ऑफ GST, GST के रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है, इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में जो है वो बताया गया है हमारे इसमें। इसमें सहज रिटर्न GST फॉर्म कैसे फिल्ड किया जाता है ये भी बताया है, GST ऑफलाइन रिटर्न कैसे भरा जाता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है वो बताया जाता है, NDA नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ये कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताया गया है, NDA एम्प्लॉय एंड कंपनी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एम्प्लॉय के लिए, कंपनी के लिए कैसे बनाया जाता है, NDA बिटवीन टू कंपनीज, अगर दो कंपनी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो वो कैसा एग्रीमेंट बनाया जाता है, पूरा डिटेल में आपको बताया जाता है। वेबसाइट लीगल नोटिस, वेबसाइट के लीगल नोटिस क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में बताया जाता है, वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी कैसे डिसाइड की जाती है, GST ऑफलाइन रिटर्न फाइल कैसे किया जाता है, इस तरीके से लीगल के ऊपर आपको पूरा डिटेल में आपको जानकारी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। फिर इसके बाद आपको फाइनेंस के बारे में अगर जानना है तो फाइनेंस के बारे में भी हमारे पास पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जो है वो रेडीमेड आपको मिलता है। इसी के साथ साथ आपको HR एंड पीपल मैनेजमेंट, इसके बारे में भी पूरा डिटेल में आपको फ्रेमवर्क दिया जाता है। एम्प्लॉय शेयर परचेस ये कैसे बनाया जाता है, एंटी हैरेसमेंट पॉलिसी क्या होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है, एम्प्लॉय अप्रेस फॉर्म कैसे बिल्ड किया जाता है, जॉब परफॉर्मेंस फीडबैक कैसे लिया जाता है, न्यू एम्प्लॉय ओरिएंटेशन कैसे किया जाता है, बिल्ड सेफ वर्क प्लेस ये कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हमारे पास जानकारी जो है वो अवेलेबल है, हमारे पूरे 600 रेडीमेड फ्रेमवर्क जिसको बोला जाता है अलादीन का चिराग। तो यहाँ पे आपको 600 रेडीमेड फ्रेमवर्क आपको दिए जाते हैं। यहाँ पे आपको और भी कौन से एग्रीमेंट अवेलेबल है, एम्प्लॉय PTO पॉलिसी क्या होता है ये भी आपको सिखाया जाता है, रिक्वायरमेंट एंड सेल्फ सिलेक्शन कैसे किया जाता है, पोस्ट क्या एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है, एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप चालू कर रहे हो, बिजनेस चालू कर रहे हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो सैलरी कैसे डिसाइड की जाती है एक एम्प्लॉय की, उसके बारे में भी पूरा का पूरा डिटेल में हम यहाँ पे आपको पूरा सिखाते हैं। वर्क प्लेस की पॉलिसीज क्या होती है,
ये भी हम आपको सिखाते हैं। एम्प्लॉय वर्क एग्रीमेंट, एम्प्लॉय के साथ वर्क का एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है, तो ये भी पूरा का पूरा हमारे इस अल्लादीन के चिराग में आपको पूरा सिखाया जाता है। इस तरीके से आप एफिशिएंटली बड़ा बिजनेस ऐप को आप यूज कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। फिर तो उसके बाद आप हमारे यूट्यूब के वीडियोस देखना चाहते हो, अगर आप यूट्यूब पे जाते हो तो आपको बहुत सारी एड्स दिखती है और आप डिस्टर्ब हो जाते हो, तो अगर आपको यूट्यूब के वीडियोस देखना है विदाउट एड के, तो आप हमारे बड़ा बिजनेस ऐप में जाके आप वीडियो जो है वो देख सकते हो, यूट्यूब के वीडियो विदाउट एनी एड। और इस तरीके से आप हमारा बड़ा बिजनेस ऐप को अच्छे से आप यूज कर सकते हो। और फिर उसके बाद और भी बहुत सारा ऑप्शन अवेलेबल है हमारे इस बड़ा बिजनेस ऐप में। आपको ये भी पता चल गया है कि ईएई कैसे यूज करते हैं, पीएससी कैसे यूज करते हैं, अल्लाह जिन का चिराग कैसे यूज करते हैं, यूट्यूब कैसे यूज करते हैं। इसमें हमारे कुछ आर्टिकल्स भी दिए हुए हैं, आर्टिकल्स आप यूज कर सकते हैं। लाइव सेशन कैसे अटेंड किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में अगर आपको हिस्ट्री जानना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो, जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की हिस्ट्री क्या है यहाँ पे पूरी लिखी हुई है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस डॉट कॉम, डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज अ रेवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योर एंड इंटरनेशनली अक्लेम मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। इस तरीके से आपको विवेक सर की हिस्ट्री दिख जाएंगी, हमारा यूट्यूब चैनल की क्या हिस्ट्री है ये आपको दिख जाएंगी, विवेक सर बिजनेस कोच कैसे बने ये आपको बताया जाएगा, अवार्ड कितने मिले हैं विवेक सर को, पूरा डिटेल में यहाँ पे आप हमारे ऐप में जाके आप देख सकते हो। और उसी के बाद आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। अगर विवेक सर को कितने अवार्ड्स मिले हैं वो आप देख सकते हो कि विवेक सर को कितने अवार्ड्स मिले हैं, कितने रिकॉग्निशन मिले हैं, तो विवेक सर को कितने अवार्ड्स मिले हैं हम वो यहाँ पे देख सकते हैं। तो विवेक सर को अवार्डेड एज ट्रेनिंग द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ एचआर प्रोफेशनल, इसका विवेक सर को अवार्ड मिला हुआ है। अवार्ड एज बेस्ट सोशली रेस्पॉन्सिबल मोटिवेशनल स्पीकर इन इंडिया, इसका विवेक सर को जो है अवार्ड मिला हुआ है। और अवार्डेड एज बेस्ट लीडरशिप ट्रेनर इन एशिया, इसका विवेक बिंद्रा सर को अवार्ड मिला है। अवार्डेड एज बेस्ट सीईओ कोच इन इंडिया, इसका अवार्ड मिला हुआ है। तो इस तरीके से 100+ अवार्ड जो है वो विवेक बिंद्रा सर को दिए हुए हैं। तो फिर यहाँ पे हमारी प्रेस मीडिया गैलरी, हमारा जो न्यूज पेपर हो गया या हम न्यूज चैनल हो गया, इस पे हमारी क्या क्या हुआ है, कितने अवार्ड्स मिले हैं, कितने रिकॉग्निशन मिले हैं, इसके बारे में पूरा आप यहाँ पे जाके आप देख सकते हो मीडिया प्रेस गैलरी में जाके। और उसी तरीके से आपको यहाँ पे रेट, अगर आपको रेट देना है ये देख सकते हो, टर्म्स ऑफ सर्विस क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, अबाउट बड़ा बिजनेस क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ पे जानकारी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरीके से आप हमारा बड़ा बिजनेस ऐप को आप बहुत ही अच्छी तरीके से आप यूज कर सकते हो और आप अपनी लर्निंग प्लस अर्निंग आप हमारे साथ मिलकर आप कर सकते हो। जैसे अबाउट बड़ा बिजनेस, इसमें क्या लिखा है, बड़ा बिजनेस इज एन इनिशिएटिव बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा हु इज अ मोटिवेशनल स्पीकर रेवोल्यूशनरी बिजनेस कोच, इट इज द सक्सेस ऑफ अर्थवाइज ग्लोबल एक्ट कंपनी दैट वाज आल्सो फाउंडेड बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो है वो इसके पहले ग्लोबल एक्ट ट्रेनिंग कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी चलाते थे, जिनको वो बहुत सालों से वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को स्टार्टअप को ट्रेनिंग को कंपनी देते हैं। फिर उसके बाद 24 अप्रैल 2019 को बड़ा बिजनेस ने, विवेक बिंद्रा सर ने बड़ा बिजनेस कंपनी की स्टार्टिंग करी और अभी तक वह चली आ रही है। तो इस तरीके से आप हमारा बड़ा बिजनेस ऐप को एफिशिएंसी के साथ आप यूज कर सकते हो और आप अपनी लर्निंग जो है वो बढ़ा सकते हो। तो आप हम होम पे आ गए, होम पे आके आप ये ही देख सकते हो या फिर आप हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के साथ अच्छी तरीके से आप देख सकते हो। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए।